गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके इक्वल रूट्स हों. तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac. तो हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. जैसे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहां k क्या है, x का कोएफिशिएंट, मतलब हमारा b जहां k है, b हमारा k है, a हमारा 2 है और c हमारा 3 है. फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, ये हमें पता है. d का फार्मूला लगाना है, फिर v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. v हमारा k है तो k स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 2 है और c हमारा 3 है. तो जहां से क्या मिल जाएगा हमें, k स्क्वायर माइनस 24, बिकॉज 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो यहां से k स्क्वायर आ जाएगा 24 और यहां से k आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24. और 24 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 6, बिकॉज 2 स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 6 24. और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2√6, बिकॉज 2 का स्क्वायर है तो ये रूट के साथ कट होके रूट से बाहर हो जाएगा और हमें k की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2√6. मतलब k 2√6 हो सकता है जब माइनस 2√6, दो वैल्यूज हैं k की. उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. इस तरह से kx into x kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. तो जहां a है हमारा k, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है हमारा माइनस 2k और c है 6. देयरफॉर फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 एंड d इज v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज b है हमारा माइनस 2k, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0. ए है हमारा k और c है हमारा 6. तो जहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 मिल जाएगा, विच इंप्लाइज 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज k कॉमन आ सकता है k इंटू, यहां रह जाएगा 4k और यहां रह जाएगा माइनस 24, क्योंकि k हमने कॉमन ले लिया है. तो जहां से हमें क्या मिल जाएगा, इधर k इक्वल टू 0 और 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज k इक्वल टू 0 और 4k इक्वल टू 24, विच इंप्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 24 अपॉन 4, विच इंप्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6. तो k की यहां भी दो वैल्यूज आ गई, k जहां 0 हो सकता है जहां 6. इस तरह से हमने k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल. तो ये दो पार्ट्स हैं, इस तरह से हमने इनको करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. क्या ये संभव है कि हम एक मैंगो ग्रोव,
मतलब मैंगो का बगीचा जो रेक्टेंगुलर है वो डिजाइन कर सकें, जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ से और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हम मान लेते हैं ये पॉसिबल है, और ब्रेथ हम सपोज कर लेंगे एक्स। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ ट्वाइस है, मतलब लेंथ 2x होनी चाहिए और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है हमारा लेंथ है हमारी 2x और ब्रेथ है हमारी x, तो x इनटू 2x इक्वल टू 800 व्हिच इंप्लाइज 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 800, जहां से x स्क्वायर 800 अपॉन 2 x स्क्वायर हमें 400 मिल जाएगा। तो यहां से x क्या मिल जाएगा फिर, प्लस माइनस रूट 400, और रूट 400 20 होता है बिकॉज 20 स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x की दो वैल्यूज आ गई 20 और माइनस 20। तो x है हमारी ब्रेथ और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये रिजेक्ट हो गई, a की वैल्यू रह गई जो पॉसिबल है वो 20। देयर फोर ब्रेथ ऑफ द ग्रूव 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ग्रूव 2x, दैट इज 2 इंटू 20, x 20 है इसलिए यहाँ 20 आ गया और ये 40 मीटर आ गई हमारी लेंथ ऑफ दी ग्रोव। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना ही, ओके।